नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सब खुश होंगे। मेरी वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस में दिए गए बातें, मेरी वीडियोस में दिए गए उपाय आपको अच्छे लग रहे होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे आपकी लाइफ चेंज हो रही होगी। आप अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देख रहे होंगे पॉजिटिवली। तो जो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप अपनी जॉब में प्रमोशन पा सकते हैं। ऐसा क्या करें कि आप अपने जॉब में प्रमोशन पाए, वो भी बहुत जल्दी। ऐसे क्या आपको करना पड़ेगा कि आपको अपने जॉब में प्रमोशन बहुत ही जल्दी मिल जाए? क्योंकि कई लोग हमारे सामने आए हैं जो कि कहते हैं कि हम बहुत देर से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, या कई लोग ऐसे सामने आए हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत सी कंपनीज चेंज की हैं बट हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता है, या कई लोग ऐसे हैं कि जो कि अपनी कंपनी में इतना मतलब कंफर्टेबल हो गए हैं, उनको इतना कंफर्टेबल हो गया है अपनी कंपनी के माहौल में कि वो कंपनी छोड़ना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि इसी कंपनी में उनका प्रमोशन हो जाए, वो ये चीज़ चाहते हैं कि हमें इस कंपनी को छोड़ना ना पड़े। लेकिन किसी ना किसी कारणवश उनके मन में ये माइंड में ये बातें आ जाती है कि अगर हमारा प्रमोशन ना हुआ तो शायद हमें इस कंपनी को छोड़ना भी पड़ सकता है। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि प्रमोशन होना हर किसी के इंसान के मन में आएगा। हर कोई चाहेगा कि उसकी तरक्की हो। एक वक्त पर आकर इंसान चाहता है कि उसकी तरक्की हो। जिस हिसाब से आपको पता है कि महंगाई है, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से ये नेचुरली सी बात है कि उस वे में अगर कोई इंसान चाहे कि हमारी भी तरक्की हो, हमारा भी प्रमोशन हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जो आज का टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका एक प्रमोशन हो सकता है, किस तरीके से कंपनी में या किसी जगह आप लगे हैं, या किसी चाहे फैक्ट्री में लगे हों, चाहे कंपनी में लगे हों, चाहे किसी के अंडर काम कर रहे हों, तो किस तरीके से आपका प्रमोशन हो सकता है, किस तरीके से आपकी एक वैल्यू बढ़ सकती है आप। क्योंकि प्रमोशन तभी होगा जब आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी, जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। तो किस तरीके से आपके काम की वैल्यू बढ़ सकती है, किस तरीके से आपका रुतबा बढ़ सकता है, कुछ उपाय मैं बताऊंगी। और ऑब्वियसली नेचुरल बात है कि आपको अपने काम में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने काम में फुल कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये चीज़ें तो एक नेचुरल बात है कि अगर आपको तरक्की चाहिए तो ये चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कि आप उपाय कर रहे हो और आप बिल्कुल बैठ जाए, आप अपना काम करते रहें, ईमानदारी से करें अपना काम, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से करें अपना काम। इस तरीके से आप करते रहें, और इसके साथ साथ मैं आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपको आपकी तरक्की की और नज़दीक लेकर जाएगा। जो लोग ऐसे हैं कि बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत दिमाग भी लगा रहे हैं, डबल शिफ्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं कि उनकी बात नहीं बन पाती है, उनकी प्रमोशन नहीं हो पाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं या बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हर कोई खुल के नहीं कर पाएगा, बट उसको अंदर से पता होगा कि मैंने मेहनत की है पर मेरी प्रमोशन नहीं हो पाई है। तो ये उन लोगों के लिए है। मैं आपको दो उपाय बताऊंगी। तो पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, पहला उपाय जो कि मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया है, पहला उपाय मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये उपाय आपको पहले करना है, और दूसरा उपाय मैं बताऊंगी कि आपको ये उपाय खत्म होने के बाद ही दूसरा उपाय करना है। और मैं आपको बताती हूँ दोनों उपाय के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक उपाय के बारे में बताती हूँ जो कि है आपके गुरुवार से जुड़ा हुआ, जो कि है आपके थर्सडे से जुड़ा हुआ। आपने इसमें चार गुरुवार को यानी कि चार थर्सडे को आपने कोई भी पीली चीज आपने दान करनी है। दान करने इन द सेंस कि आप कोई भी गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं, किसी आश्रम में जाकर दान कर सकते हैं, विधवाओं को दान कर सकते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बुजुर्ग होते हैं जो बैठे हुए उनको दान कर सकते हैं, आप किसी भी वे में किसी भी लोगों को आप दान कर सकते हैं। आपने दान करना है और आपने पीली चीज़ का दान करना है। आप पीली चीज़ में चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो चुन्नी हो, चाहे साड़ी हो, चाहे कोई वेजिटेबल हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो, कोई भी आप अपने हैसियत के अनुसार, आप अपने बजट के अनुसार, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये आपने चार गुरुवार करना है,
तो 4 गुरुवार के दिन आप अलग अलग चीजें भी दान कर सकते हैं। एक गुरुवार अगर आपने फ्रूट दान कर लिया, एक गुरुवार कपड़ा दान कर लिया, एक गुरुवार चप्पल दान कर ली, जो आपकी आपको पसंद आया वैसा दान कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि पीला रंग हो, कोई मिक्स कलर भी ना हो कि पीला ग्रीन, पीला ब्लैक, ऐसा कुछ नहीं हो। पीला मतलब प्योर पीला कलर हो, तो आपने वो दान करना है। और आपने ये 4 गुरुवार करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई महंगी चीज़ देनी है, आप अपने बजट के अनुसार जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वो दान कर सकते हैं। स्त्री को दान करे, किसी बच्चों को दान करे, किसी बुजुर्ग को दान करे, किसी आदमी को दान करे, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसे आपके आसपास आपको लोग दिखे दान, मतलब मददगार लोग दिखे, तो आप उन्हें दान कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने पीली चीज़ ही दान करनी है, और आपने 4 गुरुवार करनी है। सुबह उठकर नहा धोकर आपने काम पे जाते वक्त अपनी पीली चीज़ दान कर देनी है, आपने बस ये करना है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा आपका, इससे कि आपके जो एक हकीकी प्रमोशन के लिए कुछ ऐसी एटमोस्फियर बनना जरूरी है, कुछ ऐसी बातें बनना जरूरी है, कुछ ऐसे, क्योंकि अगर आपका प्रमोशन होगा तो आपके बॉस को कुछ आप में दिखना चाहिए, या कोई काम ऐसा आपका बन जाना चाहिए जिससे आपका प्रमोशन हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपके काम बनने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। ऐसे कुछ माहौल आपके सामने आएंगे, ऐसी कुछ बातें आएंगे, या हो सकता है आपके पास ऐसा कोई काम आ जाए जिसमें आपको बहुत अच्छी तरक्की मिले, जिसमें आप अपना 100% बहुत अच्छा दो, जिससे कि सर इम्प्रेस हो जाए और आपकी प्रमोशन हो जाए। या अगर आपके सर खुद बात नहीं कर पाते हैं जल्दी कोई कि हम प्रमोशन करेंगे या नहीं, तो अगर आप उनसे बात करने जाए तो तुरंत वो मान जाए कि हाँ हम आपकी प्रमोशन कर देते हैं। जिस भी तरीके से आपकी प्रमोशन हो सकती है उस तरीके से आपकी प्रमोशन ज़रूर होगी। तो पहला उपाय आपने ये करना है। और दूसरे उपाय की तरफ मैं चलती हूँ। दूसरा उपाय आपने शुक्रवार के दिन से शुरू करना है, और इसे 11 दिनों तक आगे बढ़ाना है। यानी कि शुक्रवार के दिन से शुरू कर कर 11 दिन तक लगातार सुबह उठकर नहा धोकर, खाली पेट आपने नहाना धोना है, लेकिन आपने अन्न का दाना नहीं डालना। सुबह उठकर, अब गर्मियों का मौसम है तो लोग मतलब नहा लेंगे आसानी से, जल्दी उठकर भी नहा लेंगे। तो आपने सुबह उठकर नहा धोकर अन्न का डालना बिना डाले अपने मुंह में, बिना अन्न का डाला अपने मुंह में डाले आपने कच्चे दूध का 2 चम्मच पीना है, कच्चे दूध का। और प्लीज़ आपने ये नहा धोकर करना है, जैसे कि अभी सर्दियां चल रही है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उठकर, कई लोग नहीं नहा पाते हैं, कई लोग की ऐसा मतलब डेली रूटीन है कि ठंड के समय में वो शाम को नहाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, और अब मौसम में भी बदलाव आ चुका है, धीरे धीरे गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, तो अगर आप थोड़े दिन 11 दिन अपने लिए निकाल सके कि आप सुबह उठकर नहाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। आपने शुक्रवार से शुरू कर कर 11 दिन लगातार सुबह के वक्त नहा धोकर बिना कोई अन्न का दाना खाए आपने 2 चम्मच कच्चे दूध के पीने। कच्चा दूध मतलब आपने कच्चा दूध पीना है, उसे उबालना नहीं है। या अगर आपके घर में उबलता है दूध तो थोड़ा सा पहले ही अब सुबह के लिए आप 2 चम्मच कच्चा दूध निकाल दें, सिर्फ 2 चम्मच, चाहे छोटा चम्मच हो चाहे बड़ा, जैसे आपके घर में रेगुलर स्पून यूज होते हैं वैसा आपने सिर्फ 2 चम्मच पी लेना है। और पीने के 5 मिनट बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, चाहे आप नाश्ता करें, कुछ भी खाएं, वो आपकी मर्जी है, आप खा सकते हैं। और आपने 11 दिन, जितने दिनों तक ये उपाय चल रहा है, आपने उन दिनों बस नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करनी, जो कि मैं अपने हर उपाय में कहती हूँ कि सिर्फ 11 दिन, जिन दिनों तक ये उपाय चल रहा है, आपने उन दिनों में नॉनवेज या ड्रिंक नहीं पीना। तो इससे भी आपकी तरक्की के बहुत अच्छे चांस बढ़ते हैं। इससे जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे जो आपकी लाइन के साथ हैं, जो बिल्कुल आपके साथ साथ हैं, उनसे बढ़कर आप निकलेंगे। यानी कि अगर आप बिल्कुल बराबरी में चल रहे हैं तो उनसे आपकी थोड़ी सी रफ्तार जो है आपकी बढ़ेगी, उन लोगों से बढ़ेगी। तो जो सर सोच रहे हैं जिनको प्रमोशन देने के बारे में, उन नंबर में पहला नंबर आपका ही आएगा। तो अगर आप ये 2 उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा। 100% ये वर्किंग के उपाय हैं, आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा, और आप खुद कहेंगे कि ये मेरे साथ चमत्कार हुआ है, जो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इन उपायों को पूरी ईमानदारी से करें, ईमानदारी से अपना काम भी करें, और ईमानदारी से ही ये उपाय भी करें। इसके साथ आपको मैं एक छोटी सी
बात और बताना चाहती हूँ जो मैंने पिछली बार भी शुक्र की कई वीडियोस में या और भी काम से रिलेटेड वीडियोस में कही है कि आप परफ्यूम मत लगाएं। परफ्यूम की जगह जब आप काम पर जाते हैं तो इत्र का इस्तेमाल करें। इत्र ऐसी चीज़ है जो कि आपकी शुक्र को तेज करता है। शुक्र तेज का मतलब हो जाता है कि आपको धन लाभ की बहुत आसानी से प्राप्ति होगी और बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से अगर आपका शुक्र थोड़ा बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें जो आपको बहुत बेनिफिट देगा। परफ्यूम का इस्तेमाल आप बिल्कुल छोड़ दें। तो ये तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद होगी और ये तीन उपाय करने से आप खुद पाएंगे कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी बॉस की तरफ से और आपकी ज़रूर ही इंक्रीमेंट होगी। आप ज़रूर ही प्रमोशन की प्राप्ति करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, इस पर आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।